हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पराठे। तो गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसमें नमक डालकर 2 मिनट तक रहने देंगे। 2 मिनट हो गए हो और इसमें जो पानी है वो सारा निकाल देंगे और उसको डबा डबा कर ये गोभी को साइड पर कर देंगे और ये पानी हम आटा गूंदने में रखेंगे। तो दोस्तों, गोभी के पराठे आप एक बार बनाओगे ना तो आलू के पराठे भूल जाओगे और गोभी के ही पराठे खाओगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट गोभी के पराठे होते हैं और उसको बनाना ही बहुत इजी है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिएगा गोभी के पराठे। ये जो पानी है वो हम आटा गूंदने में रखेंगे। तो आटा हमने निकाल लिया है, उसमें डालेंगे नमक, ऑयल और पानी। उसको मिक्स कर आटा गूंद लेंगे। अब हम गोभी का मिश्रण रेडी कर देंगे, क्योंकि गोभी के पराठे बनाने वाले हैं तो गोभी तो चाहिए ही, तो उसका मिश्रण हम तैयार कर लेंगे। तो मिश्रण के लिए हमने ऑयल ले लिया है। इसमें डालेंगे जीरा, राई, उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हमने हरी मिर्च ले ली है, लहसुन ले लिया है और अदरक ले लिया है। 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। तो गैस को मीडियम रख देंगे और उसको अच्छी तरह से, वो जले ना, नीचे चिपके ना, ऐसे हम उसको भून लेंगे और बीच बीच में चलाते रहिए। और तो इस मिश्रण में हम मसाले डाल देंगे। तो मसाले में है मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर उसको अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से तेल में सातेंगे। गैस मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि मसाला जल ना जाए। जो मसाला जल जाएगा तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा और स्वाद बैठ जाएगा, इसलिए हमने गैस बंद कर लिया है। पूरे मसाले डालकर हमने अच्छी तरह से उसको चला लेना है। फिर बाद में जब मिश्रण हमको डालना होता है तभी हम गैस को चलाएँगे। तो हमने सभी मसाले डाल दिए हैं और पहले हम हरी मिर्च डाला था और हल्दी डाला था, बाद में उसको चला लिया और बाद में हमने धनिया पाउडर और गरम मसाला लगाया था। और अब जब हम मिश्रण डालेंगे तब नमक डालेंगे, क्योंकि इस मिश्रण में भी नमक डाला था और नमक स्वाद के अनुसार लेना है। और इसको सब मिक्स करने के बाद, उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें उसको चक कर बाद में उसमें नमक डालेंगे, क्योंकि पहले नमक डाला था। तो नमक डालने की जो जल्द है वो नहीं करनी है, क्योंकि नमक पहले से डाला था। तो अच्छी तरह से भून लेंगे। पूरे मसाले उसमें डल चुके हैं। अब हम उसको अच्छी तरह के लो मीडियम पे उसको भूनेंगे। सब मिक्स करने के बाद मैंने चख लिया था तो थोड़ा नमक कम मुझे लगा, तो मैंने उसमें नमक डाल दिया है। 2 चम्मच इलके आधी चम्मच जैसा मैंने नमक डाल दिया है। और नमक को डालने के बाद मैंने सारा मिश्रण को मैंने मिक्स कर दिया और मैंने फिर से चखा, तो चख लिया है मैंने और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनाया है। और उसको 2 मिनट तक और भी भुनेंगे, क्योंकि मसाला अभी पका नहीं है, उसको पकाना है। तो आधा कचरा यानी कि थोड़ा सा पका हुआ और थोड़ा कच्चा ऐसा रखने हैं, और जब हम पराठे बेलेंगे तब वो थोड़ा जो पका हुआ था वो रेडीमेड पूरा पक जाएगा। मिश्रण हमारा हो गया है रेडी और यमी यमी। उसको हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया
और मेरे हस्बैंड को धनिया बहुत नहीं पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है और उसको मिक्स कर देंगे और उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ठंडा होगा और मिश्रण उसमें पराठे में डलेगा तब वो पराठे बीच बीच में फटेंगे नहीं। जो फटे हैं ना, जो पराठे फटे हैं तो वो दिक्कत आती है। तो आटे की हम लोई बना लेते हैं और सूखा आटा हम उसमें डालकर उसको बेलेंगे और बेलने के बाद उसमें मिश्रण डालेंगे। हमारा पराठा फटा नहीं क्योंकि हमने सारी ट्रिक फॉलो की है, तो आप भी फॉलो जरूर कीजिएगा। और पराठे को हम सेक लेंगे और पराठे को हम चाय के साथ सर्व करेंगे। पराठा कच्चा जब पक्का होता है तब उसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल से पूरे पराठे को कवर कर देंगे। आप घी का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने तेल का यूज़ किया है। मेरे हस्बैंड को घी भी नहीं पसंद है इसलिए मैंने घी नहीं डाला है। मेरे पराठे जब बनाऊंगी उसमें मैं डालूंगी घी, तो आप घी भी डाल सकते हैं, घी से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। हमारा पराठा हो चुका है रेडी। हम उसे दही के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं। और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।